तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज हम लोग दोबारा से प्ले करने जा रहे हैं सर्वाइवल फायर बैटल ग्राउंड ऑफलाइन गेम, और उसके अंदर अपन लोग पूरे 30 किल करने वाले हैं विद चिकन डिनर। तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, और अपन लोग उतरने वाले हैं हड्डू के अंदर, क्योंकि वहां पे मेरे को गने भी मिल जाती है और लपेटने के लिए बंदे भी। तो आओ यार, जल्दी से चलते हैं और बंदों का पाद निकालते हैं और इस केबिन के अंदर चलते हैं और गन को ढूंढते हैं। और भाई, यहाँ पे मेरे को M416 मिल चुकी है। इतनी खुशी और दूसरे केबिन के अंदर भी देख लेते हैं, और इसके अंदर मेरे को RPG मिल चुकी है। तो जल्दी से चलते हैं और बंदों का मार मार के पाद निकालते हैं सारों का। और सामने की तरफ जो पेड़ दिख रहा है, तो उसके नीचे एक बंदा मेरे को दिख चुका है। और भाई साहब, मैंने जैसे ही फायरिंग स्टार्ट की तो बंदे की तो बिल्कुल ही फट के हाथ में आ गई और घरों के अंदर छिप गया भाई साहब अपने डर के मारे। अच्छा। लेकिन बच के जाएगा कहां साले, तेरा पाद तो मैं निकालूंगा। और दोबारा से भाई मैंने उसके बहुत ही तगड़ा वाला स्प्रे मारा, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। तो घर के अंदर ही चलते हैं और घर के अंदर ही उसका सुअर भरते हैं साले का। और मैं यहाँ पे जा रहा तभी मेरे को RPG चलने का साउंड सुनाई दिया, तो मैंने देखा, मैंने कहा कहां पे। और तभी भाई मेरे को पता चला कि पीछे की तरफ बंदे RPG चला रहे हैं। तो जल्दी से चलते हैं और बंदों को ढूंढते हैं। और सामने की तरफ दो बंदे भाई बिल्कुल ही RPG चला रहे थे, और एक बंदे ने दूसरे बंदे का पाद निकाल दिया। और अपन लोग अब इसका पाद निकालने वाले हैं, और इसका नाम था डॉग। कुत्ता है तू, कुत्ता कुत्ता है तू, कुत्ता। और इसको बिल्कुल ही मैंने लपेट दिया है, और साले ने बिल्कुल ही अपनी हेल्थ का बिल्कुल ही बैंड बजा दिया है। तो जल्दी से चलते हैं और अपन लोग हेल्थ किट लगा देते हैं, और उसके बाद बंदों को ढूंढते हैं सालों को, और उनका एक ही बार में मार मार के सुअर भरते हैं। वाह अभी वाह गैंगस्टर भैया, और गैंगस्टर भैया का भी एक ही बार में पाद निकाल दिया साला। बिल्कुल ही सस्ता शाहरुख बन के आया था, और एक ही बार में सुअर भर दिया मैंने गैंगस्टर का भी। वाह भाई वाह वाह, इनका नाम था वोल्फ। भेड़िया था, भेड़िया सस्ता भेड़िया था साला। तो भाई साहब, मैं तो इस बंदे को मार के निमटा, और दूसरा बंदा एक ही बार में आ गया, उसका नाम था गोस्ट। भूत था साला, भूत भूत भी नहीं था, सस्ता वाला भूत था। मतलब जो भी कैरेक्टर है सस्ते वाले हैं साले के सारे। ओ भाई, हो भाई, रिंकिया के पापा जी हमसे लड़ने आए थे, तो भाई रिंकिया के बापू को भी मैंने एक ही बार में लपेट दिया भाई, अपने से पंगा ले गया। तो भाई बिल्कुल ही गंजा कर देंगे अपन लोग तो। सही बात है। ओ भाई साहब, बिल्कुल ही चार्ली भाई अपने ऊपर दर 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 गोलियां चला रहे थे अपने को, बिल्कुल ही खुद को मतलब 30 मार कहां समझ रहे थे। तभी भाई मैंने एक ही बार में इनका पाद निकाल दिया, और जाने कौन बंदा मेरे ऊपर फायरिंग कर रहा है। ओ भाई साहब, बिल्कुल ही किंग जोकर थे, जोकर साहब अपने ऊपर फायरिंग कर रहे थे, तो इनका भी एक ही बार में सुअर भर दिया है मैंने। और जल्दी से चलते हैं और नेक्स्ट बंदे को ढूंढते हैं। इधर की तरफ है भाई, घर के आसपास ये बंदा। ओ भाई साहब, सुअर के सुअर भर दिया हम लोगों ने, इसका नाम सुअर था भाई, पिग था, पिग। ओ भाई साहब, बिल्कुल इस बंदे के पास भाई K9 थी, और इसने एक शॉट मार दिया था, और दूसरा शॉट भी मार देता ना तो भाई एक ही बार में भाई बिल्कुल ही अपने लास्ट भिजा देता यहीं के यहीं पे, और अपने को यहीं पे मृत्यु दंड दे देता। लेकिन अपन लोग बच गए, क्योंकि किस्मत अच्छी थी अपनी, और उसको भाई एक ही गोली चलाई थी, उसके बाद दूसरी गोली चलाई नहीं थी मैंने, एक ही बार में उसका पाद निकाल दिया। और सामने की तरफ जो आप लोगों को दिख रहे हैं, तो इस मैप के अंदर मेरे को सामने की तरफ बंदा दिख रहा है, तो मेरे को लगा कि बंदा अपने पास आ रहा है, लेकिन भाई बिल्कुल ही मेरी जो चील वाली जो निगाहें, तो भाई वो तो आ गई थी, क्योंकि बंदा आ नहीं रहा था, वो पीछे की तरफ जा रहा था। तो भाई मेरे को बहुत ज्यादा दुख हुआ, तभी भाई साहब मैंने बग्गी को उठाया और चल गया मैं बंदों को ढूंढने के लिए, उस बंदे को जिसने भाई अपने साथ प्रैंक किया था। तो उसका तो बिल्कुल ही सुअर बना है अपने को, क्योंकि भाई बिल्कुल ही प्रैंक करने वाले बंदे तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद, और इसकी छाती पे बिल्कुल ही अपन लोग अपनी बग्गी को चढ़ाएंगे। ओ भाई रुक जा, रुक जा, इसको लपेट दिया है, और इसका नाम था सनी, और सनी को एक ही बार में मैंने पाद निकाल दिया है। और जल्दी से चलते हैं, और भाई ड्रॉप गिरा हुआ है, तो जल्दी से अपन लोग चलते हैं और ड्रॉप को लूटते हैं, उसमें जो लेता हो भाई भाई। हाँ, ड्रॉप को टोक दिया मेरी बग्गी ने, तो कोई दिक्कत नहीं है, ड्रॉप कौन सा इंसान है साला, जान तो है नहीं इसमें। तो अपन लोग चलते हैं इसके अंदर, ढूंढते हैं क्या है। ओ भाई, तो मशीन अपने को मिल चुकी है, तो जल्दी से चलते हैं। चल 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 चल। और सामने की तरफ भाई मैंने मशीन ली थी, तभी बंदा आ गया, और इसका नाम था हमेर, हमेर जाने का, हमेर जान का नाम, जाने का नाम था। इसको मैंने लपेट दिया और चलते हैं। ओ भाई, मैप के अंदर मेरे को बंदा दिख रहा है आसपास ही भाई, बंदा घर के आसपास ही, यहाँ पे देखना मैं कैसे उसका पाद निकालता हूँ।
ओ भाई साहब, ये बंदा तो बिल्कुल ही मतलब कवर फायर ले रहा था, बिल्कुल कवर में रखे अपने ऊपर गोलियां मार रहा था, तभी मैंने इसका एक ही बार में सुअर भर दिया और अपन लोग अपनी जो हेल्थ थी तो उसने तुरंत डाउन कर दिया था भाई इस बंदे ने। ओ भाई साहब, रावण को मैंने मार दिया तो भाई राम भगवान ने क्या किया था भाई, मतलब साले नाम कुछ भी रख देते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट बंदे को ढूंढने के लिए। ओ भाई, यहाँ अगर ओके आस पास ही एक और बंदा, रुक जा बेटे रुक जा, एक बार मिल जाता रे तेरे को मार मार के भूत बना दूंगा साले। ओ भाई साहब, रेपर था भाई, रेपर घर में से निकल के आए थे, रेपर भैया गाना लिख के मतलब रेप लिख के आए थे और गाना गाने वाले थे, तभी मैंने एक ही बार में उनको लपेट दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और जल्दी से अब मेरे को यहाँ पे बंदे दिखाई नहीं दे रहे, तो जल्दी से अपने बग्गी के अंदर बैठते हैं और चलते हैं बंदों को ढूंढने के लिए। और अपन लोग चलने वाले हैं टगाईओ के अंदर और जल्दी से चलते हैं, और यहाँ पे मेरे को बहुत ही ज्यादा बंदे मिलने वाले हैं। और मतलब 14 किल के बाद जितने भी किल बचे हैं तो मैं यहीं पे करने वाला हूँ सारे के सारे किल, और ढूंढते हैं बंदों को जल्दी से और उनका सुअर भरते हैं सालों का। फायरिंग चल रही है भाई, फायरिंग आ गई साले। ओ भाई साहब, तो ये ब्लैक पैंथर बहुत ही तगड़ा था भाई, क्योंकि इसने हेल्थ को बिल्कुल ही डाउन कर दिया था। बात तो सही है। यहीं पे घर के आसपास ही ये बंदा भाई, अभी देखना मिलेगा 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 मिलेगा, सबर करो। ओ भाई भाई भाई, ताला जाने किधर जा रहा था, बिल्कुल ही बहुत अरसिंग की स्पीड से रुक ही नहीं रहा था। मैंने कहा रुक जा बेटे रुक जा, तो भाई बिल्कुल ही अनसुना कर दिया मेरी बात को, तभी मैंने इसका सुअर भर दिया साले। मैंने कहा बिल्कुल ही राजा की बात को टालता है। अबे साले, तभी बॉय गेमिंग की बात को टालता है। एक और बंदा दिख रहा है भाई मेरे को मैप के अंदर। ओ भाई बिल्कुल ये बंदा जंगल में से निकल के आया था। मतलब इसका घर था जो चबूतरा बना हुआ है, तो उस चबूतरे पे चढ़ के भाई उसने मेरे ऊपर गोलियां मारने की सोची। मतलब इतनी देर से तो नहीं मारा था, लेकिन चबूतरे पे चढ़ के गोलियां मारी इसने। और एक और बंदा मेरे को दिख चुका है और इसका नाम था तेरा बाप बीसी। मतलब कितने अच्छे अच्छे नाम रखते हैं यार, तेरा बाप बहुत क्यूट, कितना अच्छा नाम है यार गाइज, बिल्कुल ही धार्मिक और संस्कारी बच्चे हैं, बिल्कुल ही अच्छा वाले नाम रखते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे बंदे हैं भाई। और जल्दी से लोग चलते हैं नेक्स्ट बंदे को ढूंढने के लिए। तो भाई बिल्कुल ही छोटा मतलब छोटा जो सर्कल होता है तो वो बन गया था, तो मैंने सोचा मैंने कहा बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है अपने को, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। और जल्दी से छोटे से सर्कल के अंदर चलते हैं, और तभी सामने की तरफ रेड कलर के कपड़े पहन के एक बंदा आ चुका है और उसका एक ही बार में मैंने सुअर भर दिया है। और निंजा नाम था उसका, और निंजा को मैंने एक ही बार में M416 की गोलियां मार मार के गंजा बना दिया है। मस्त जोक मारा। और दोबारा से अपन लोग आ चुके हैं टगायो के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मेरे को बहुत ही ज्यादा बंदे दिख रहे हैं, तो भाई अभी देखना भाई कितने बंदों को लपेटूंगा मैं एक साथ। सामने की तरफ ये बंदा भी निकल के आएगा भाई साहब देखना। ओ भाई भाई दो भाई सामने की तरफ दो बंदे मतलब एक दूसरे से RPG चला रहे थे भाई, RPG से फाइटिंग हो रही थी तगड़ी वाली। तभी भाई एक बंदे ने दूसरे बंदे को तो बिल्कुल लपेट ही दिया था, एक गोली की कसर थी उसमें, तो भाई उस मतलब उसका किल चोरी मैंने कर लिया और उस बंदे को भी मैंने लपेट दिया। अबे साले, तभी तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट बंदे को ढूंढते हैं। भाई, भाई 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 फायरिंग चल रही है सामने से। इसका नाम था भाई स्नाइपर गोड, तो स्नाइपर गोड का एक ही बार में मैंने पार्ट निकाल दिया है। और इसके पास थे M416, तो जल्दी से इसको ले लेते हैं। और Level 3 का टोपा भी है इसके पास, तो इसको भी लगा लेते हैं और हेल्थ किट को भी लगा लेते हैं और चलते हैं नेक्स्ट बंदे को ढूंढने के लिए। ढूंढने की जरूरत नहीं, आस पास ये बंदा भाई सब। आइसमैन था भाई सब इसका नाम। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ, मेरी गन चुनो है ना रिलोड मंग रही थी, तो भाई सब मैं बंदों को मार नहीं पाया, तो मैं उछल उछल के बिल्कुल ही रिलोड कर रहा था, उसके बाद मैंने बंदे का सुअर भर दिया। और एक और ब्लैक पैंथर मेरे को दिख चुका है और उसका भी एक ही बार में मैंने पार निकाल दिया है। और उसके पास भाई साहब गरोजा थी, तो गरोजा से भाई साहब वो चाहता तो अपना भी पार निकाल सकता था, लेकिन इतना आसान नहीं था अपना पार निकालना, क्योंकि हर कोई के बस की बात नहीं है बाय बॉय गेमिंग का पार निकालना। और चलते नेक्स्ट बंदे को ढूंढने के लिए। इधर की तरफ मिलेगा मेरे को एक बंदा भी देखना, इसने भी ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे थे, तो इसका नाम भी भाई ब्लैक पैंथर ही रखेंगे अपन लोग। ओ भाई नाम भी कुछ भी रख देता हूँ यार गाइस में, मतलब कलर के हिसाब से नहीं रखता यार गाइस में, तो मतलब कलर के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करता मैं किसी के साथ भी।
और भाई साहब ये बंदा तो बिल्कुल ही बहुत दूर था, तो भाई आप लोगों को तो पता है भाई ये जो मशीन है तो भाई मशीन बिल्कुल लॉन्ग रेंज में बिल्कुल भी नहीं चलती, क्लोज रेंज में चलाना पड़ता है, तो मतलब लॉन्ग रेंज में तो भाई एम भी नहीं लगता बंदे के ऊपर। और एक और ब्लैक पैंथर निकल के आ चुका है और उसका नाम था भाई साहब आतंकवादी, तो आतंकवादी को भी एक ही बार में लपेट दिया साले को। शाबाश। ओ भाई साहब इसको भी मैंने लपेट दिया है, तो भाई बंदा जोन में से निकल के आया था, जोन में संघर्ष करके आया था, तभी मैंने इसका पार निकाल दिया, इसकी हेल्थ बिल्कुल ही डाउन हो रखी थी और मैंने इसको लपेट दिया मौके पे चौका मार के। और सामने की तरफ भाई अभी एक और बंदा आएगा अभी तो, और उसका मैं सुअर भरूंगा साले का, देखते जाओ आप लोग। अरे रेड पजामे रुक जा बेटे रुक जा, इसका नाम था फॉक्सी। चलो भाई चलो, बोलो कितने किलो के भाई अपने 29 किलो हो चुके हैं और एक किलो और करने वाले हैं अपन लोग, करो फिर। तो जल्दी से चलते हैं और उस लास्ट वाले बंदे को ढूंढते हैं और उसका सुअर भरते हैं साले का। ड्रॉप तो भाई अपने ड्रॉप की तो गने अपने पास है सही है ड्रॉप की तो। और भाई साहब एक बंदा तो बिल्कुल ही स्पेशल था, क्योंकि भाई वहाँ पे ये जो छतरी बनी हुई है ना बिल्कुल गोल गोल वाले जैसे कुटिया होती है कुटिया टाइप, तो इसके ऊपर से जंप मार गया था, जैसे मतलब हीरो की एंट्री होती ना, तो भाई सस्ता वाला हीरो होता ये, सस्ती वाली एंट्री थी और इसकी। और फाइनली भाई साहब अपना चिकन डिनर होने वाला है, बस अभी हुआ नहीं है लेकिन रुक जाओ हो गया और चिकन डिनर अपना हो चुका है। Congratulations, guys! Thanks for watching, guys. Love you all. Thank you.